अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा इस नफ्स की जिसने बचपन से गंद खाया हुआ। अल्लाह नफ्स का वसवसा शैतान के, अल्लाह कहता है इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफा, शैतान की जितनी भी चालें वो तो बड़ी कमजोर है। शैतान को तो बहुत तरीके से मारा जा सकता। नफ्स जिसको खुद पावरफुल किया आपने गंदी गलीज परसेप्शंस के साथ, गंदी गलीज सोचोगे, जब वो पावर में आ गया उसकी मर्जी है, ये वाला तार हिला है, ये वाला तार है, तो नफ्स पहले कहेगा मुझे ज्यादा खिलाओ, भूख ज्यादा लगेगी। नफ्स मुझे कहेगा मुझे ज्यादा, मुझे सुस्त रखो, लेजी बनाएगा। नफ्स कहेगा कि ज्यादा हंसो, मुझे मजा आता है। कसरत उज़्ज़हक उमीतुल कुलूब, दिल मर रहा होगा, नफ्स मोटा हो रहा होगा, दिल मर रहा होगा। नफ्स कहेगा ज्यादा मस्तियों में जाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स कहेगा मुझे दुनिया दिखाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स जब इस लेवल तक पहुंच जाता है इंसान का कल्ब जो है, फिर वो अंधा कर देता है आपको। और अगर आपकी आंखें शऊर की खुली भी हो, उसकी पावर खुद की इतनी बड़ी है, वो इल्म को भी दबा देगा वहां पर। उसका कुव्वत इरादा इतना पावरफुल है गलीज कामों गलागत के अंदर, वो आपका हक का इल्म दबा देगा वहां पर। तो हक लड़ा होगा अदालत में, कोर्ट दिल की अदालत में केस फाइल करता होगा, मैजिस्ट्रेट इतना स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है कि वो उसकी FIR आवाज ही नहीं सुन सकता, आवाज सुनने के बावजूद भी वो रूलिंग पास कर देता होगा। जैसे यहां से हक की आवाज अंदर से आती होगी, जो अंदर जज बैठा हुआ, काजी जो बैठा हुआ है, जो खुद नफ्स का खुद है, वो यहां से तीन चार लोगों को पैसे दे के कहेगा हाँ मुकदमा लड़, दलील दे, और उसको उठा के फेंक दे। आपको दलील खुद मिल जाएगी गलत काम करने की। इट्स द नफ्स, इसी नफ्स को घबराहट होती है। इस नफ्स को घबराहट, इसकी घबराहट क्या है, अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा। इस नफ्स की जिसने बचपन से गंद खाया हुआ, अल्लाह नहीं, आखिरत नहीं, जन्नत नहीं, जहन्नम का डर नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, मिशन नहीं, विजन नहीं, मादा परस्ती से हट के दुनिया का, मैं दुनिया कॉन्कर करने के खिलाफ नहीं, अपने पोटेंशियल को लिमिट तक पहुंचा। मैं इसी नफ्स के साथ कहता हूं K2 पे चला जाए आदमी, अगर हमारी मोटिवेशन ही इस नफ्स को हराने के लिए K2 पे जाए और वहां जाके अल्लाह की अजान दे दे, गल खत्म। यहां पर तो एक शायद खड़ा हो जाएगा ना। तो ये जो है ना आगे से मैं क्या सिलसिला चल रहा था, जो मैं कह रहा था बात निकल गई मेरे माइंड से। जो नफ्स बड़ा हो जाता है या फिर जो है वो नहीं, मैं कभी एक गर्दान चली थी मेरी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म, उसकी वो सुन नहीं सकता ना। अगर नफ्स मैजिस्ट्रेट बड़ा हो गया, वो चारे छोटे जो दिल रह गया है उसकी आवाज कौन सुनेगा। वो कहेगा ज्यादा हंसना है, ज्यादा खेलना है, ज्यादा बोलना है। तो उस वक्त ये फिर ये खेलता है फिर आपके साथ, फिर दलीले शलीले काम नहीं आती। इसलिए आप सल्लम कहते थे अला वही अलकल, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, यहां यहां से देख के रखना। जब ये मारेगा ना आपको, तो अच्छी चीज से डरा देगा, बुरी चीज से दोस्ती करा देगा, फजूलियात में घुसा देगा, प्रोडक्टिविटी से हटा देगा। नफ्स को क्या पसंद है, नेगेटिव होना, गीबत करा लें आप इससे। ओ गॉसिप्स तो इतनी पसंद है इसको। मैं नफ्स से हमारा की बात करूं, इसको कहां डर लगेगा, जब आप इसे कहेंगे मेहनत कर, वहां ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसको कहां डर लगेगा, अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों ने मुझे सजदे नहीं दिए तो मेरा क्या होगा, मेरा नाम ऊंचा नहीं हुआ तो क्या होगा। नाम ऊंचा अगर अल्लाह की सोच के साथ हो वो कुछ और चीज है, अगर नाम ऊंचा नहीं भी हो और अल्लाह 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 आपके मन के अंदर बहुत ऊंचा है तब भी कामयाब है। फमन ज़ोहिया ने नारी बहुत खुली जन्ना फकत फास। नफ्स क्या कहेगा, अल्लाह के नाम के साथ भी अगर हो तो थोड़ा जरा ऊंचा और हो जाए। अभी नफ्स अपना कर रहा होगा, नाम अल्लाह का होगा लेकिन काम अपना कर रहा होगा, शोहरत रिया करी। और क्या नफ्स कह रहा हो, नफ्स को क्या पसंद, नफ्स को जो है वो रियाजत पसंद नहीं, सुबह उठना पसंद नहीं, नफ्स काब्ज नहीं छोड़ सकता, नफ्स प्रोटीन नहीं खाएगा, काब्ज चाहिए, क्योंकि काब्ज में शुगर है, शुगर में मस्ती है, काब्ज शुगर है, शुगर में एनर्जी है, चाहिए प्रोटीन नहीं, मसल्स को एग्जर्ट करना होगा भाग जाएगा। अपनों अपने अपने जैसों के अंदर या कमजोरों में बैठ के नफ्स को आसान है, अपनों से बड़ों, अपनों से
अपने से बड़े कद के आदमी के साथ बैठना नफ्स को जहर लगता है। ये है वो नफ्स हमारा जिसको जिसके लिए जिसकी सबसे बड़ी सिफात क्या है कि ये गम नहीं भुला सकता। ये इतना कमीना किस्म का होता है ये नफ्स, ये गम नहीं भुला सकता। सॉरी मैंने जरा ये लफ्ज बोल दिया, माजरत चाहता हूं मेन स्ट्रीम के ऊपर। नफ्स, ये जो नफ्स हमारा है ना, बहुत जलील नफ्स होता है। कोई गैरत नहीं, गैरत भी है तो अपने लिए, हक के लिए थोड़ी होगी। अपने लिए बहुत गैरत है इसको। किसी किसी ने पिन पॉइंटिंग कर दी, मैं इस नफ्स की, अच्छा इसके अंदर मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है, मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है। ओ यार आवाज सही आ रही? जी जी। इज एवरीबॉडी विद मी? हाउ इज द काउंट? चलो गुड है। ये नफ्स जो है ना, जो नफ्स हमारा है, इसमें अल्लाह तो है नहीं, है तो बहुत ही मिनिमम लेवल पर है, अपने में डूबा हुआ है। इसका इसका डिप्रेशन क्या है, इसका डर क्या है, इसका डिप्रेशन क्या है, इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसका गम ये है, ये माजी में जो हुआ है ना, अपने आप को इतना, ये वो यूनिक, एक यूनिकनेस होती है कि मैं हर लिहाज से गिफ्ट्स के लिहाज से मुनफरिद हूं। एक यूनिकनेस क्या होती है, बस मैं ही हूं किसी माँ का बच्चा और किसी और ने तो पैदा ही नहीं किया। दूसरों का गम नहीं दिखेगा इसको, अपना ही गम देखेगा। नफ्स हमारा का डिप्रेशन, माजी का गम का ये है, वो छोड़ना नहीं चाहता कोई चीज, दुनिया की कोई चीज उस गम के ऊपर मरम नहीं बन रही, ना लोगों का गम, ना रब की नेमतें जो माजी में एंजॉय किया है, जो खापे खाए हैं, जो पार्टी की है, फबी अय्या लाए रब्बी कुमा तो कज़िबान जो खड़ा है, इसको नहीं समझ में आया। छोटा, तंगदिल, तंगदस्त, मुकैद, चोक्ड, कंजूस, बुखील, नीच किस्म का ये नफ्स है जो गम नहीं छोड़ सकता माजी का। और पंजाबी का एक लफ्ज है किड़, यही नफ्स है हमारा, किड़ नहीं छोड़ सकता, माफ नहीं कर सकता, लेट इट गो नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्यों फ्रस्ट्रेशन पता, लेट इट गो नहीं हुआ। आप सल्लम को चीर दिया लोगों ने छुरे मार मार के, सल्लम ने मक्का फतह किया, आपने कहा, पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला, जब मैं ये कहता जान दिया, लेट इट गो, जान दे।